अस्सलामुअलैकुम क्लास, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10, उसका स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास सॉल्व है ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन से मुराद हमारा आई डॉक्टर होता है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है परमिशन, और परमिशन के बाद मैयर, फिर ऑप्टिशियन, फिर सी ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहले आता है प्लेयर, प्लेयर में खुशी, और डी के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है टेक्नीशियन की, और ई के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है डिसीजन, टेलीविजन, लेयर। लेयर से मुराद हम लोग फ्री बैठना, टेलीविजन हमें पता है टीवी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और डिसीजन से मुराद किसी चीज़ का फैसला करना। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2 में भी हमारे पास यही है कि हमने फिल द ब्लैंक्स एंड पे वर्ड्स हैं उनको अंदर एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है? सफिक्सेस का, उसके अप्रोप्रिएट सफिक्सेस जो उसके मुताबिक आएंगे। सो दीज वर्ड आर पेपर, हेलीकॉप्टर, रेक्टेंगुलर, रोटर, सिमिलर, क्लेवर, मोटर, अदर एंड क्लीनर। कमिंग फर्दर हमारे पास एक्सरसाइज 3 है। एक्सरसाइज 3 के अंदर हमारे पास ए ऑप्शन सॉल्व है क्लीनर, बी के अंदर हेलीकॉप्टर आएगा, सी के अंदर पेपर आएगा, डी के अंदर सिमिलर आएगा, और ई के अंदर रूटर आएगा। सो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो क्लास, अब नेक्स्ट हमारे पास पेज है 83। हम अब इसके ऊपर भी हमारी कुछ ब्लैंक्स रहती हैं। सो एफ ऑप्शन में आएगा मोटर, जी ऑप्शन में रेक्टेंगुलर, एच ऑप्शन में अदर, आई ऑप्शन में क्लेवर, और जी ऑप्शन में पेपर। सो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक एक्टिविटी आ जाती है, जो कि हमने नोटबुक के ऊपर आप लोगों ने ये सब लिखनी है। और अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके अंदर प्रोग्रेसिव फॉर्म के वर्ब्स हैं, और हम इन सब का सलूशन देखते हैं। सो एक्सरसाइज 4 के अंदर है हमारे पास टू मोर वर्ब्स इन दी पास्ट प्रोग्रेसिव, फॉर एग्जांपल वाज क्लीनिंग, वाज लिविंग, वाज इंजॉइंग। ये हमारे उसके चैप्टर के अंदर ये सारे वर्ड मौजूद हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं रेगुलर वर्ब्स, जो कि हमारे पास हैं नोटिस्ड, लुक्ड, प्रेस्ड, टर्न्ड। इनमें से आप कोई भी 4 कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास सी में आ जाते हैं इरेगुलर वर्ब्स, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा पुट, लुक, वेंट, सेड, सॉ, रोज। तो इनमें से भी आप कोई से 4 कर सकते हैं। फिर हमारे पास टू वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होते हैं। आप प्रेजेंट परफेक्ट से मुराद इसमें हैज़, हैव के साथ लिखे होंगे। सो इसमें हमारे पास हैज़ के साथ हैज़ स्टार्टेड, हैज़ गॉन एंड हैज़ टर्न्ड। फिर ई में हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स रिमेंबर मैंने आपको बताया था, जिसमें एल वाई आता है। सो सॉफ्टली, स्लोली, एक्साइटेडली। और नेक्स्ट हमारे पास एफ के अंदर हमारे होंगे जिसके अंदर एडवर्ब्स जो कि बताते हैं कब कैसे काम हुआ। सो उसमें हो गया आफ्टर, डैट, फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनली। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4। सो एक्सरसाइज 5 के अंदर हमने एपोस्ट्रोफीज ऐड करनी है। सो आप देख सकते हैं जहांगीर्स के बाद, क्योंकि एपोस्ट्रोफी किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? किसी चीज़ का पोजेशन शो करने के लिए, किसी चीज़ की मलकियत शो करने के लिए कि ये चीज़ मेरी है। सो वो जहांगीर्स टॉम, वेयर शैल वी लीव आवर शूज़, अब शूज़ के बारे में बात हो रही है तो वो ज़्यादा प्लूरल फॉर्म है, तो एस के बाद अपोस्ट्रोफी आई है। सो फिर मरियम के बाद क्योंकि वो सिंगुलर है तो एस से पहले आई है। फिर अब बॉयज़ आप देखेंगे तो बॉयज़, इससे बेटा आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, तो इससे आपने बी से पहले जो है उससे कन्फ्यूज नहीं होना, वो कोटेशन मार्क्स हैं। सो बॉयज़ के अंदर हमने क्योंकि प्लूरल थे तो उसके अंदर एस के बाद आएगी अपोस्ट्रोफी। और मैन, आपको मैंने बताया था मैन एक प्लूरल फॉर्म होती है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ भी एस से पहले आती है। सो अब हमारे पास गर्ल्स के अंदर भी एस के बाद आएगी, और चिल्ड्रन के अंदर एस से पहले, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर फॉर्म, चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म, और लास्ट में हमारे साथ आ जाएगा चिल्ड्रंस। सो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 5, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 6। अब क्लास, एक्सरसाइज 6 के अंदर बेसिकली हमने लास्ट टर्म में एक चैप्टर पढ़ा था हेलीकॉप्टर के रिलेटेड, तो अब हम उस हेलीकॉप्टर के रिलेटेड हमने कुछ एक इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। सो ये उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं। सो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ की भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।